कुर्सी पे बैठो, कुछ सिंहासन डाल दिया मैंने तुम्हारे लिए। अच्छा, हमें पता थी कि आज हमारे मित्र सखा आज हमारे दरबार में हमसे मिलने आ रहे। अबे भैया कैसे बैठ गया तू? कैसे बैठ? अच्छा ऐसे बैठ जाते हैं भैया? कैसे बैठ जाते हैं? सुदामा हाँ, तुझे बताए हम और तुम गुरु संदीपन के यहाँ पर साथ साथ पढ़े, बचपन की याद कर, और तू गुरुजी ने सब कुछ सिखाया हमें, और लेकिन तुझे अभी कुर्सी पर बैठना नहीं आ रहा है। सीधा बैठ, सीधा सीधा कुर्सी को इधर घुमो कर, पल्ली तरफ को। हाँ सीधा बैठना है सुदामा भैया। अबे सुदामा, अबे भैया, मैंने सीधा बैठने को कहा कि कुर्सी के पीछे बैठने को कहा था, तो सीधा बैठ उस कुर्सी पे, जमीन पे थोड़ी नहीं। आगे बैठू? हाँ अच्छा बैठ 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 भैया जल्दी। सुदामा भैया बैठ गए तो भी बैठ लेना रोका। सुदामा भैया तुझे पता है तू हमारे सिंहासन को काहे तोड़े दे रहा है? तो भैया कैसे बैठू? देख कुर्सी को सीधा कर पहले तो कर ले। अब इस पर बैठ जी। सुदामा बैठ गए। सुदामा भैया अभी भी आदत से बात नहीं आ रहा है तो कैसे बैठते हैं? कैसे बैठे? उल्टा बैठा हम कह रहे हैं सीधा बैठ। अच्छा घुमा के बैठू? हाँ घुमा के बैठ। अबे अरे मैंने ऐसे घुमा करके थोड़ी ही बताया था तो कुर्सी को उधर साइड घुमा करके बैठ जा ऊपर नीचे थोड़ी नहीं। अरे भैया जब भी मैं बता सकता तो ये बता लगा रहा है। सुदामा जब सुदामा भैया बैठ गए। सुदामा भैया जी बता तेना जी कुर्सी है ना एक तू बैठ भी ना जानतो है हमारे बाप दादा ने देख। अच्छा तभी तू इसे बैठना नहीं आ रहा है भैया? माया हसीना है जी। है माया हसीना है जी। हसीना है या हसीना है? हसीना है। अच्छा तो चल मैं बता रहा हूँ तू सीधा बैठ जल्दी भैया इस कुर्सी को सीधा कर ले पहले। अब हल्लो पल्ली तरफ को मुंह करके बैठ इसी पर इसको मुंह करके। हाँ बहुत सुंदर भैया बैठ तो गया बैठ गए। अब लग रहा है कि तू मेरा भैया है। ए भैया हाँ सभी बच्चे बैठ जाओ सभी सभी बैठो जो भाई हमारे बैठे हुए थोड़ी देर की और बात है सभी बैठ जाओ सभी आसन को ग्रहण कर ले। ए भैया हाँ अरे टूट नहीं जाए भैया जी का ऐसा ही थोड़ी नहीं ये है मेरा सिंहासन। ए भैया हाँ नाम ही स्प्रिंगल भाई और क्या सोफा है तेरे लिए स्पेशल बनाया बनवाया था मैंने। ए भैया भैया तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा सुदामा टूट नहीं जाए मेरा सोफा ध्यान रखना। ए भैया हाँ यूँ बता जी तेरे इतने आंगन में बैठी कि सबरी को है ये अपनी बहू है तेरी भाभी है सब बहू। हाँ बहू ये ऐसी हाँ ऐसी और क्या ऐसी और क्या अरे तू कहू पागल पागल है वो है तू पागल क्यों हो गया हूँ देखियो भाई दांत बना के करे नहीं भैया तुझे नहीं पता ये सब तेरी भाभी है तो भाभी है ये भैया हम तो एक दे परेशान है तू इतने कैसे खचित तो है कहाँ जा रहे हैं 16108 ही तो है 16000
सुदामा भैया उंगली कैसे कर रहा है, कैसे चक्कर में है? नहीं वो चक्कर ना भैया, तो ये देख रहा हूँ जी, एक एक रुपया हो जाएगी तो मेरे तक कपड़े ही नहीं जाते। ए सुदामा भैया तू अभी भी कपट का जुआ खेल रहा है? ये बता भैया, सबसे पहले मेरी भाभी सुशीला ने मेरे लिए क्या दिया है? क्यों? मेरी भाई भाभी ने मेरे लिए बहुत कुछ दिया हुआ, क्योंकि मेरी भाभी सुशीला मुझसे बहुत प्रेम करती है और तू अभी भी छिपा रहा है भैया। हाँ तेरी भाभी ने झूठ बोल रहा है भैया। उतरी ये बगल में क्या है ये बता, ये किसकी कोटली है? पोला है भैया जो, पोला नहीं, पोला नहीं है, कुछ दबा हुआ है। मतलब झूठ बोल रहा हूँ? कला बोल दिखा नहीं भैया। सुदामा आप बोलो, तू तो मुझसे बचपन से ही झूठ बोलता चला रहा है। ना भैया, झूठ के कारण तो तुझ पे इतनी गरीबी हो गई और फिर भी झूठ बोल रहा है भैया। क्या है जल्दी से दिखा, मैं छिना लूंगा तो उसे समझ लेना। अभी सुदामा भैया अभी भी आदत से आवाज आ जा, जल्दी से निकाल के दे। सुदामा भैया ला मुझे पोटली को दे। भगवान ने जब हाथ में चावलों की पोटली को दिया है और चावने लगे हैं भगवान, सभी भक्तजन बोलेंगे।